हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज मैं मौजूद हूँ जोशी मठ में। तो आज हमारा जो प्लान है, आज हम निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। सुबह के अभी बज रहे हैं 8, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे एकदम तेज़ बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा कम हो रखी है, और जो हम हैं रेडी हो चुके हैं। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, एक ये है और एक यहाँ पे जो है टेम्पो ट्रेलर। तो ये हमारी गाड़ियाँ हैं और जो हमारा ग्रुप है, हम निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, लगभग जोशी मठ से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी गोविंद घाट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गोविंद घाट। और अभी यहाँ पे हम जो बाहर से गाड़ियाँ लेके आए थे, वो यहाँ से आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि जो लोकल टैक्सी यूनियन है यहाँ पे, वो आगे किसी को अलाउ नहीं करता। जो उनकी लोकल गाड़ियाँ हैं, वही आप यहाँ से आगे ले जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से लोकल गाड़ी में 4 किलोमीटर आगे पुलना तक जाएंगे, और वहाँ से फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं पुलना गांव, ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा वाटरफॉल और ये नज़ारे। तो यहां से आज जो हमारा ट्रैक होगा, वो होगा स्टार्ट घांघरिया के लिए, जो कि यहां से 9 किलोमीटर है। तो चलिए आप चलते हैं घांघरिया की तरफ। प्रॉपर पाथ यहाँ पे जो है बना हुआ है, देख आप देख सकते हैं, और नज़ारे बहुत सीनिक ट्रैक है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ट्रैक एकदम पूरा प्रॉपर पाथ बना हुआ है। नीचे जो है लक्ष्मण गंगा है इसका जो, और आगे सामने एक वाटरफॉल आप देख सकते हैं। अभी जो कुछ सुनने में आया कि आगे तक जो गांगरिया है, वहाँ पे जियो का जो नेटवर्क है वो आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो केबल लगी हुई है फाइबर, ये जियो की है। तो उम्मीद है कि गांगरिया में हमें जियो का नेटवर्क मिलेगा। तो ट्रैक को एंजॉय कीजिए, देख सकते हैं बहुत ही
सीनिक ये ट्रैक है। तो दोस्तों सुबह हम जब जोशी मठ से निकले थे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे हम गोविंद घाट पहुँचे तो बारिश थोड़ा कम हो गई और अभी तो बिल्कुल रुक गई है, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैक आसान हो गया। अगर बारिश होती तो काफ़ी परेशानी हमें हो सकती थी चलने में या कुछ, क्योंकि जो रास्ता है वो स्लिपरी हो जाता है। अभी बारिश बिल्कुल रुक चुकी है तो ये हम सब के लिए एक अच्छी बात है। तो लगभग पुलना से हम 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और लगभग अभी 5 से 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बाकी बचा हुआ है। शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरा एहसास, काफी मजा आ रहा है बिल्कुल पहाड़ की इन वादियों में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भिंडार, जो कि एक छोटा सा गांव है। अभी यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की और 3 से 4 किलोमीटर का और हमें ट्रैक करके जाना है घांगरिया तक, और आज का जो हमारा स्टे होगा घांगरिया में होगा। तो यह है भिंडार गांव। दोस्तों तो लगभग 6 से 7 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं घांगरिया, जो कि यहां से है लगभग 500 मीटर दूर। और नज़ारे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या शानदार यहां के नज़ारे। तो जैसा कि सुबह हम 8 बजे जोशी मठ से निकले थे और लगभग लगभग 4 बजने वाले हैं, 4 बजे हम घांगरिया पहुंच रहे हैं। तो जोशी मठ से जो था गोविंद घाट तक तो अच्छी रोड थी, लेकिन बारिश की वजह से कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था। तो दोस्तों ये है घांगरिया, यहाँ पे कुछ होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड के लिए जा सकते हैं।
यहाँ से जो वैली ऑफ लार का डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर, और जो हेमकुंड का जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे होटल जिसमें हम आज रुकेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं होटल में, तो आज हम यहीं रुकेंगे। इससे आगे की जर्नी हम कल स्टार्ट करेंगे, तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए।